सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विंडोज 10 का ISO फाइल बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन जो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से डाउनलोड करने में बताऊंगा आपको। एंड गाइस, अगर आप अदर सोर्सेज से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट गाइस इसमें कन्फर्म नहीं होता वो पायरेटेड है या फिर उसमें एक मैलवेयर है या वो फिर कस्टमाइजेबल विंडोज़ है। आपको बहुत सारे अलग अलग विंडोज मिल जाएंगे अलग अलग रिसोर्सेज से, बट गाइस मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना, वो भी ओरिजिनल जो जेन्युइन होता है। तो वहां से डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इनकेस आपको पता, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे विंडोज 10 ISO तो गाइस आपको बहुत सारा ISO फाइल डाउनलोड करने का मेथड मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, तो हो सकता वो सही ना हो। सो गाइस, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा तरीका जहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 बिल्कुल फ्री जो जेन्युइन है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड गाइस अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें, क्योंकि गाइस बहुत बार होता है आपको विंडोज 10 का फाइल डाउनलोड करना होता है जिसमें आपको डाउनलोड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है गाइस। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे अपने पीसी पे आ चुके हैं हम। एंड गाइस, यहाँ से आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है विंडोज 10 ISO डाउनलोड। सो गाइस, यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले शो होगा एक लिंक, डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फाइल। सो गाइस, इस लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। एंड गाइस, यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। सो नीचे आपको शो होगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। सो गाइस, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है डाउनलोड टूल नाउ पे। एंड गाइस, यहाँ से आपको एक टूल डाउनलोड होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंड ऑन योर नेट स्पीड। तो ये टूल डाउनलोड होने के बाद हम यहीं से इसको क्रिएट करने वाले हैं, ISO फाइल को डाउनलोड करने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। सो गाइस, डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको रन करना है। एंड गाइस, ये बेस्ट मेथड है आपको विंडोज 10 ISO फाइल डाउनलोड करने का, एंड ये ओरिजिनल जेन्युइनली डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लूँगा। एंड गाइस, यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको यस करने के लिए आएगा, आप यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये रन होता है। एंड गाइस, अगर आपका पीसी फास्ट चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जल्दी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम लिया था, तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आपका पीसी कितना तेज है, उसके हिसाब से ये तुरंत रन हो जाता है। एंड गाइस, नेट का स्पीड भी तेज होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं, एंड पूरा पढ़ने के बाद यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ से मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके एक्सेप्ट कर लूँगा। आप इसके सभी लाइसेंस टर्म्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ने के बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। यहाँ से मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया। एंड गाइस, उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा और प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा कि आप USB में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर डिस्क में या फिर CD में, आप जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD और ISO फॉर अनदर PC। तो यहाँ पे हम नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हमें PC को अपग्रेड नहीं करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे आपको सेलेक्ट लैंग्वेज आर्किटेक्चर एंड एडिशन, तो यहाँ पे आप कौन सा एडिशन डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज 10, विंडोज 10 प्रो एंड बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। एंड यहाँ से आप इसके लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं एंड आर्किटेक्चर को। तो अगर आपको कस्टमाइज चाहिए तो यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस PC, अनटिक करेंगे एंड यहाँ से कस्टमाइजेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर द PC एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यही ऑप्शन यूज करने वाला हूँ। एंड गाइस, यहाँ से आप USB फ्लैश ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं, आपके पास अगर जो भी हो, 8 GB, 64 GB, 32 GB, 16 GB कुछ भी हो यूज कर सकते हैं, या फिर ISO फाइल यू विल नीड टू बर्न द ISO फाइल टू DVD और DVD लेटर।
तो यहाँ पे मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करूँगा एंड नेक्स्ट करूँगा। एंड गाइस यहाँ से आपको एक ऑप्शन देना होगा जहाँ पे आप विंडोज 10 फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक लोकेशन दे देता हूँ, दिस पीसी के डेस्कटॉप पे लोकेशन दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा आईएसओ फाइल, बाद में मैं अपने यूएसबी ड्राइव में डालकर उससे बूटेबल बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसके फाइल नेम को भी दे देता हूँ, फाइल नेम मैंने दे दिया। अब मैं इसे सेव कर दूँगा। एंड गाइस सेव करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ से आपका शुरू होगा डाउनलोडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके नेट फास्ट होना चाहिए तो आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस जो होगा काफ़ी तेज होगा। एंड गाइस यहाँ से ये काफ़ी टाइम लेने वाला है। एंड आपके पास नेट भी एनएफ होना चाहिए, लगभग 5GB के अप्रॉक्स आपके पास नेट होना चाहिए। एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो आपको 10-15 मिनट में ये डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पे जब डाउनलोडिंग फिनिश हो जाएगा तो आपको लास्ट में शो होगा फिनिश का ऑप्शन। बस आपको लास्ट में एक ही ऑप्शन शो होता है फिनिश का, तो सिंपली आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ से मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो वहाँ से मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ से आपको बस लास्ट में फिनिश का ऑप्शन शो होगा, आप फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो काफ़ी ईजी तरीका होता है इसको डाउनलोड करने का, एंड ये जेन्युइन तरीका है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया है, मतलब आपका डाउनलोड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ट्राई करें एंड आपका डाउनलोड हो जाने के बाद फिनिश का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप फिनिश कर देंगे एंड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो डाउनलोड हो जाएगा इजीली। एंड उसके बाद आप उसको बूटेबल बना के उसको अपने पीसी में यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट करने में जहाँ भी आप यूज करना चाहें। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस अब मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड हो सकता है इधर प्रॉपरली वीडियोस आएँ। एंड गाइस आज सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं वीडियोस को बना पाऊँगा, क्योंकि मैं वीडियोस काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ एंड रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। तो रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो गाइस मैं वीडियो बनाता रहूँगा, एंड आई होप कि मैं वीडियो बनाता रहूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।